नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स नोट सेट 5 के मेन एग्जाम के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट को लेके। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज कर दिए गए हैं। आप एम्स की साइट पर जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने अपने डाउनलोड कर लिए होंगे। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका हमारे पास कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर जैसे ही हम साइट को ओपन कर रहे हैं तो हमारे सामने हमारा एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है। देखिए साथियों, हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको बता दिया था कि सभी कैंडिडेट जो नोट सेट 5 के मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनको एक काम करना है, और यदि आप वो काम नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किया जाएगा। और उन कैंडिडेट ने वही गलती की है, इसलिए उनका एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी नहीं किए गए हैं। अब आपका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में साथियों, हमने आपको पहले बताया था कि नोट सेट 5 का जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए आपको चॉइस फिल करना कंपलसरी है, नेसेसरी है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ने उसको मजाक में लिया, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे। लेकिन अब एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। जैसा कि एम्स न्यू दिल्ली ने डिसीजन लिया था कि चॉइस फिल के लिए यहाँ पर डेट को एक्सटेंड करके 2 अक्टूबर किया गया था, और वो ये बोले थे कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आज एम्स अथॉरिटी ने एक बार फिर नोटिफिकेशन रिलीज किया है 4 अक्टूबर को, और इन्होंने इसमें साफ मेंशन किया है कि जो कैंडिडेट जिनका एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है उनको क्या करना होगा कि साइट पर जाके आपको लॉगिन करना है, और 5 अक्टूबर 2023 आपको अपनी चॉइस फिल कर देनी है। मतलब कल शाम 5 बजे तक आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इन सभी कैंडिडेट को दी गई है। उनकी लिस्ट भी यहाँ पर रिलीज की गई है जिन्होंने चॉइस फिल नहीं किया था, तो टोटल कैंडिडेट 100 से भी अबाव हैं। तो यहाँ पर अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल आपके लिए हर अपडेट इसीलिए ये लेकर आते हैं ताकि आपको छोटे छोटे अपडेट पता चलता रहे। हालांकि इसके रिगार्डिंग आपके पास जीमेल और मैसेज भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन आप सभी ने उनको भी अवॉइड किया है, जो कि सही नहीं है। कई कैंडिडेट हैं जो एक्चुअल में देना नहीं चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वे सभी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं और उनको लगता है कि हम एग्ज़ाम देंगे, तो अब आपको क्या करना है कि कल शाम 5 बजे तक अपनी चॉइस जो फिल है वो कर देना है, ताकि आपका जो एडमिट कार्ड है वो तुरंत प्रभाव से रिलीज़ हो सके। जैसे ही आप चॉइस फिल कर देंगे, नेक्स्ट डे आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट हैं जिनका नाम इस लिस्ट में है, वो सभी अपना जो चॉइस फिलिंग है उसकी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है चॉइस फिल, इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जो भी कैंडिडेट हैं, जो टोटल हैं 132, इन सभी को अपना चॉइस फिल करना है, तभी इनका एडमिट कार्ड आने वाला है। फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट दोनों ही यहाँ पर हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर 132 जो कैंडिडेट हैं, ये जैसे अपनी चॉइस फिल कर देंगे एडमिट कार्ड इनका जारी हो जाएगा। इसके अलावा जो 7th को आपका एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड आप भी डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और इसी प्रकार हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आपको बता दें कि यदि आप चॉइस फिल करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, और आपको उसमें साफ साफ और एकदम बिल्कुल सही समझाया गया है कि आपको चॉइस फिल कैसे करना है। तो डिटेल में वीडियो है, जाके देख लीजिएगा, आपके काम का है। धन्यवाद।